Assalamu alaikum, dear students. This is Sajjad Malik. I'm again in your service with a new lecture. As per promise, I'm going to start grammar right now. So in grammar, I have chosen translation from Urdu to English. It is also called as retranslation. तो आज बेटा हम ग्रामर के इस पोर्शन में जो 15 मार्क्स का आपका एक पैसेज आएगा जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगी, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो अनसीन होता है और हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह का, कितना भी मुश्किल लेवल का हो, हम उसमें से मैक्सिमम उसमें क्लेम करें. डेफिनेटली हमें तो चाहिए और मेरी ख्वाहिश भी है कि आप फुल मार्क्स लें, 15 out of 15 उसमें होने चाहिए. लेकिन याद रहे कि पार्ट टू में जनरल ऐसे और ट्रांसलेशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये 35 मार्क्स के बनते हैं. ये या तो उठा देते हैं अब 95 पे पहुंच जाते हैं या सीधे 65 पे आ जाते हैं. तो बहुत ध्यान से इसको रखना, जितना मैं पॉसिबल हो सका मैं आपको समझाऊंगा. आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है, आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू चौधरी मोहम्मद यासिन, द पायनियर ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन, पार्क गैरिसन एजुकेशनल सिस्टम. तो आज ये उनकी स्पेशल डिमांड के ऊपर है कि अब आप करवाइए, मेरे बच्चों को ज़रूरत है, तो डेफिनेटली मैं उनको डेडिकेट करता हूँ. तो आज बेटा बोर्ड पे नज़र आइए, देखें मैं आज आपको फर्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 11 है, G1 का यहाँ मतलब है कि ग्रामर का पहला लेक्चर, लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट करवा रहा हूँ. हो सकता है आप में से किसी ने नाम सुना हो सकता है किसी ने ये नाम पहले सुना ही ना हो. जो स्टूडेंट्स मुझसे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं उनको तो मैं ये करवा चुका हूँ, लेकिन अब चूँकि पर्टिकुलरली मेरे जो 6-7 सेक्शंस की बात नहीं है, वो टोटल बात है बॉयज़ गर्ल्स और जो आउटसाइडर व्यूअर्स हैं. और ये भी मैं बता दूँ, ये आपको बेनिफिट देगा फ्रॉम अर्ली क्लासेस 5, 6, 7 से लेके अप टू CSS लेवल, आपको इसी तरीके से ही अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगी. हमारे पास जो टेक्निक होती है कि सबसे पहले हमें अपनी जो मदर टंग है उससे मतलूबा जो ज़ुबान हम सीखने जा रहे हैं, जो कि राइट नाउ इंग्लिश है, उसमें हम अपने आइडियाज़ को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देखिए बेटा, हर एक की एक विश होती है कि आई शुड नो सच अ लेवल इंग्लिश, such a standard English that I can communicate at my will. Whatever is coming into my mind, I should be able to transfer that onto paper or I could express myself. तो ये अगर एक ड्रीम है आपका कि मैं ब्लैक एंड वाइट में जो चीज़ दूँ वो रुके ना, कलम ना रुके, मैं बोलूँ तो मेरी जुबान ना रुके, एंड इट शुड बी एग्जैक्ट. ग्रामर आपको इंग्लिश के अंदर या उर्दू किसी भी जुबान में एग्जैक्ट बनाती है. राइटिंग सबसे मुश्किल स्किल हुआ करती है लैंग्वेज की, चारों स्किल्स में से लैंग्वेज जो राइटिंग है ये सबसे मुश्किल स्किल होती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम कहते हैं. ये मुश्किल तब होती है जब हम इसे सीखते नहीं, जब सीख लेते हैं तो वो चीज़ आसान होती है. सिंपल फिलॉसफी है कि पर्दे के पीछे क्या है या दीवार के पीछे क्या, हमने नहीं देखा तो वो मुश्किल है, अगर देखा है तो हम कहेंगे वहाँ टेबल है, चेयर है, दैट्स इट. मुश्किल इतना, अब वो पर्दा हटाने जा रहा हूँ ताकि आपके सामने वो फैक्ट्स रिवील हो, वो कुछ रियलिटी सामने आए और कुछ प्रिंसिपल सामने आए जिसको से आप असिस्टेंस लेके करेक्ट इंग्लिश लिख सके. ये सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन के लिए मैं ग्रामर नहीं करवा रहा. इनफैक्ट आई वांट दैट यू आउट टू बी अल्टीमेट कम्युनिकेटर एंड यू आउट टू बी एन अल्टीमेट राइटर ऑफ इंग्लिश. सो आज बेटा हम लिंकिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं. इंग्लिश जब शुरू होती है ना बेटा हम ट्रांसलेशन के लिए, तो ये एक वर्ड मैंने लिखा है बी. अब यूँ समझ लीजिए कि अब ये ए बी सी है, ये अलफ बे पे है, इंग्लिश की अलफ बे पे है. मैं वहाँ से आपको शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से. अब वर्ड है बी, आपके सामने एक वर्ड लिखा है बी. इसका उर्दू में मीनिंग होता है होना, यानी किसी चीज़ का होना. अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से देखें तो बी का मतलब, ये बी जो आता है वो वर्ब के कैटेगरी में आता है, इसे वर्ब बोलते हैं. आगे जाके हमें फिर उसकी ज़ाहर है डिफरेंट टाइप्स हैं, तो किस टाइप में आता है ये,
तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग वर्ब या मेन वर्ब या एक्शन वर्ब इसको कहते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब भी। यानी बी स्ट्रॉन्ग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। आप आगे जाके फर्दर इसमें आता है स्टूडेंट के नेचुरली आपके भी जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग मेन या एक्शन वर्ब क्या बला है। बेटा ये स्ट्रॉन्ग ये मेन या एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जिनकी डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती हैं। कन्वेंशनली तो देखा जाए तो तीन फॉर्म्स होती हैं। अगर मॉडर्न पैरामीटर्स के ऊपर देखें तो आजकल फोर फॉर्म्स यूज़ होती हैं। अब उसके लिए मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है, ये मैंने चारों फॉर्म्स आपके सामने लिख दी। अब देखिए बेटा ये जो फॉर्म होती है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब, हम कहते हैं ये कौन सी फॉर्म है, आप कहते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये हम टीचर्स भी ऐसे कहते हैं। बेटा उसका नाम होता है, फर्स्ट फॉर्म का भी एक नाम है, सेकंड का भी, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। तो हमें टेक्निकली ऑन वर्ड आज सीखने के बाद आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कहना या फोर्थ फॉर्म नहीं कहना। फर्स्ट फॉर्म का बेटा नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म। दूसरी फॉर्म का नाम है पास्ट फॉर्म। तीसरी का नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चौथी का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब ऑनवर्ड आप फर्स्ट फॉर्म को कहेंगे प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहेंगे पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब बी की हम प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं तो ये हमारे सामने शक्लें आई, इज, एम, आर। इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज या वर। इसकी पास्ट पार्टिसिपल होती है बिन और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है बीइंग, जो कंटिन्यूटी को जाहिर करती है। अच्छा बेटा मैंने आगे चलने से पहले, अब ये होता है कि ये एक वर्ब है, आगे फर्दर क्लासिफाई किया तो ये स्ट्रॉन्ग मेन या एक्शन वर्ब हुआ, एक्शन वर्ब को एक्सप्लेन किया, अब ये सूरत हमारे सामने निकली तो अब इसका नाम क्या होगा। यानी इज एम आर को या वॉज वर को या बिन या बीइंग को हम अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से क्या कहेंगे। अब ये बेटा डुअल रोल है इसका, ये डुअल रोल है इसका। ये एक जगह पर जाकर अगर देखें तो इसका डुअल रोल है, ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब या इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, लेकिन डिपेंड करता है यूज़ पे। नीचे एग्जांपल देखें आपको ये क्लैरिफाई करेगी कि किस तरह से आप और किस मौके पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम दे रहा है और किस मौका पर ये लिंकिंग वर्ब का। सिमिलर वर्ड मैंने ले लिया सिमिलर। अब ये देखें आपके सामने एक वर्ड लिखा है शी, पूरा सेंटेंस देखें, शी इज़ राइटिंग एन एस्से, तो शी इसमें सब्जेक्ट हुआ, राइटिंग इसमें वर्ब हुआ और एन एस्से इसमें ऑब्जेक्ट हुआ। अब राइटिंग को गौर करें तो राइटिंग को अगर फर्दर क्लासिफाई करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। अब इस इज़ का क्या रोल है, अब गौर से बेटा ये इज जो है इस स्ट्रॉन्ग वर्ब की मुआवनत कर रहा है, इसको असिस्ट कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। क्या कह रहा है बेटा, शी इज राइटिंग एन एसे, अपना कोई अलग से मतलब नहीं दे रहा, सिर्फ ये इस स्ट्रॉन्ग वर्ब को हेल्प कर रहा है। तो जो चीज़ हेल्प कर रही है तो फिर इसका मतलब है इसका नाम होगा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पर जो इज है वो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम दे रहा है। अगर आप नीचे वाले सेंटेंस में आए, शी इज एन एसे राइटर, अब यहाँ पर बेटा देखें शी एक सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर वर्ब है, कोई आगे स्ट्रॉन्ग वर्ब आया ही कोई नहीं, तो अब ये देखिए क्या कर रहा है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, शी इज़ एन एसे राइटर, शी इज़ एन एसे राइटर। तो अब अगर देखें तो काम तो कोई भी नहीं कर रही, इनफैक्ट यहाँ पर ये जो इज़ है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को पहले क्लियर कर दूं। देखिए बेटा अगर इसमें हम देखेंगे तो आपको शी सब्जेक्ट मिला, तो शी क्या कर रही है, यस राइटिंग कर रही है, बिल्कुल सही है आपने, यानी शी एक सब्जेक्ट है एंड शी इज़ परफॉर्मिंग अ जॉब, वो कोई काम कर रही है, शी कोई काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर डूअर है यानी काम करने वाला है। अब देखिए अब शी क्या कर रही है, हम आम तौर पे फाइल की डेफिनेशन लेते हैं काम करने वाला, यानी इसका मतलब यूँ समझ लेते हैं, और वन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन और डज एनी डीड
और या कोई फिक्रे में काम करता है तो उसको फाइल कहते हैं। अगर यही डेफिनेशन है तो ज़रा नीचे आइए, शी इज़ एन ऐसे राइटर, ये क्या कर रही है? सब्जेक्ट तो शी है ना, अब शी यहाँ पर ये फाइल क्या कर रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसे राइटर है, ये उसकी ये क्वालिटी को बता रहा है कि वो क्या है, ये जवाब दे रहा है वो क्या है। तो इन फैक्ट अगर गौर करें तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को बयान कर रहा है, यानी होने की हालत को बयान कर रहा है। यहाँ पर शी जो है किसी स्ट्रॉन्ग वर्ब को असिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये होने की, किसी चीज़ के होने की, कि वो क्या है, वो ऐसे राइटर है, वो स्टोरी राइटर है, शी इज़ अ नाइस गर्ल, ही इज़ एन हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज़ एन इंडस्ट्रियस बॉय, ही इज़ केयरिंग, लविंग, लाइक, हम सारी चीज़ें कि स्टेट्स होती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग कौन क्या है। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हम डोर के मुताबिक डेफिनेशन लेंगे तो इसने तो निगेट कर दिया, क्योंकि ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है। इधर आइए, फिर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है बेटा, तो सब्जेक्ट की फिर कॉम्पैक्ट डेफिनेशन ये हुई जिसमें इन दोनों सिचुएशन को कवर कर लिया जाएगा। अ वर्ड इन अ सेंटेंस, फिक्रे में एक ऐसा लफ्ज अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड और सेड, जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में, इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, उसे फाइल कहते हैं। फाइल क्या हुआ फिर? देखिए, ना हमने डूअर लिया, ना हमने सेट ऑफ बीइंग लिया, हमने एक पूरी जो कॉम्पैक्ट डेफिनेशन दी तो इसमें दोनों चीज़ें कवर हो गई। चूँकि चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो कोई स्टेट ऑफ बीइंग को बयान कर रहा है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, कुछ मालूमात की जा दी जाती है, या जो वो कोई काम कर रहा है या है वो, उसको बयान किया जाता है। इसी तरह बेटा, वर्ब का लफ्ज़ जब जहन में आएगा तो आपके नेचुरली जहन में आएगा एक्शन, कि फेल एक एक्शन वर्ड है। आम तौर पे हमारी जो ग्रामर की बुक्स है उसमें भी वाजे तौर पे बड़ा बहुत ही विवर्डली ये डेफिनेशंस लिखी हैं और बहुत ही ब्रेवली लिखी हुई हैं कि इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। चलें इस पे भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इज है तो राइटिंग एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, तो वर्ब क्या कर रहा है? राइटिंग कर रहा है। वर्ब क्या है? एक्शन में है। क्लियर, एक्शन में है। तो यहां पर इसका मतलब है वर्ब फिर एक्शन हो गया। क्या हो गया? एक्शन, यानी यहां पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसमें वर्ब है इस, ये क्या कर रहा है? सोचिए बेटा, ये क्या कर रहा है? आप बिल्कुल इंजॉय करने वाले हैं, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कहीं जाएगी नहीं। आप गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर शी इज एन ऐसे राइटर, ये तो कोई काम नहीं कर रहा। अगर हम बिल्कुल बयान वैसे ही जिस तरह हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन को समझा, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब मौजूद नहीं है और जिसको इज या एम आर वाज वर असिस्ट करें, तो फिर ऐसी सूरत में ये फिर एक स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है, एक हालत को बयान कर रहा है कि कौन क्या है, कौन क्या था। अच्छा, इसने फिर इसका फंक्शन क्या हुआ इस सेंटेंस में? ये सब्जेक्ट है तो ये आपका इज, जो इविडेंटली आपको हेल्पिंग वर्ब लग रहा है ये एक, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नहीं, मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको, ये जो इज है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? इसके साथ इसका कनेक्शन जोड़ रहा है, इसका राबता कर रहा है। यहाँ पर जो लिंक इस ये सब्जेक्ट को फिक्रे के बाकी हिस्से से जो वर्ड लिंक करेगा, फिर उसका क्या नाम होगा? यस, इसका नाम होगा लिंकिंग वर्ब, चूँकि वो फाइल को फिक्रे के बाकी हिस्से के साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर जो इज है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो लिंकिंग वर्ब क्या हुआ बेटा? जिसमें कोई जो असिस्ट नहीं कर रहा किसी स्ट्रॉन्ग वर्ब को, बल्कि सब्जेक्ट को, फाइल को फिक्रे के बाकी हिस्से के साथ मिलाता है। अगर प्रेजेंट में है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज एम आर आप लगाएंगे, अगर पास्ट में है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो आप वॉज वर लगा देते हैं। अब इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स के ऊपर जाते हैं। आई होप कि आपको अब ये सब्जेक्ट और वर्ब
माशाल्लाह से बहुत क्लियरली पता चल गया होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर आता हूँ। मैं अब चूंकि हम करने जा रहे हैं अब लिंकिंग वर्ब के तौर पे इज एम आर का यूज़, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं बेटा, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। अब है, आपने गौर करना है सेंटेंस में कोई वर्ब तो नहीं, आपने गौर करना है सेंटेंस में कोई वर्ब तो नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है, तो स्टेट ऑफ बीइंग है तो यहाँ हमें लिंकिंग वर्ब चाहिए। सेंटेंस मैंने एग्जांपल तो बहुत इजी ली है, लेकिन समझाना मकसूद है कि आपने आपको कैसे पता चलेगा लिंकिंग वर्ब है भाई। अगर तो वो किसी स्ट्रॉन्ग वर्ब को असिस्ट कर रहा होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर नहीं कर रहा तो वो लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर इस जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये मैंने असर्टिव सेंटेंस लिया। अब मैं यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल ली, तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, होना प्रेजेंट में है लेकिन वर्ब कोई नहीं आया, यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। क्या वो दमा की मरीजा है, कोई फेल तो नहीं आया, कोई एक्शन तो नहीं आया। अब होना प्रेजेंट में है तो इंट्रोगेशन में पूछा है, तो ऐसे में जो लिंकिंग वर्ब इज है या जो भी आपका उसके सेंटेंस के मुताबिक होगा, इज एम आर वॉज वर जो भी होगा, आपने सब्जेक्ट से पहले लेके आना इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। और इंट्रोगेटिव बनाते हुए बेटा आपने ख़ास ख्याल रखना है, एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस, एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस डोंट फॉरगेट टू प्लेस दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अदरवाइज यू विल बी गिवन नो क्रेडिट। तो इसका फिर हुआ, क्या वो दमा की मरीजा है, इज शी एस्थमेटिक, बेटा एस्थमेटिक या एस्थमा नहीं पढ़ना, दमा की हमारे आम तौर पे प्रोनंसिएशन की जाती है एस्थमा, और दमा के मरीज को एस्थमेटिक कह देते हैं। ये एग्जैक्ट वर्ड है एस्मा, और जो इसका मरीज होता है उसको कहते हैं वो एस्मैटिक है, एस्मैटिक। अच्छा, मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव की एक एग्जाम्पल ली, क्या वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है, क्या वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है, आर दे नॉट गुड प्लेयर्स, नेवर फॉरगेट टू प्लेस दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ऑल इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आगे बेटा मैंने एक यहाँ पर मेंशन किया है, मौसम या वक्त दो लफ्ज़ लिखे हैं, टाइम आ जाए या वेदर आ जाए, किसी भी हवाले से सेंटेंस के अंदर अगर टाइम या वेदर आ गया तो आपका सेंटेंस हर सूरत इम्पर्सनल प्रोनाउन इट से शुरू होगा, और अगर वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को बयान कर रहा है तो उसके साथ हम लिंकिंग वर्ब इज यूज़ कर देंगे, अगर वो पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वॉज आ जाएगा। अब देखिए उसके लिए किसी भी सूरत वक्त, किसी भी सूरत मौसम, अब 3 बजे का वक्त है, हम ऐसे भी कह सकते हैं अब 3 बजे हैं। अब ये जो लफ्ज वक्त है हमने ये नहीं लिखना, इसका प्रोनाउन हमारे पास इट की सूरत में आ गया, तो इसको लिखेंगे इट इज 3 o'clock नाउ। बेटा ये गौर कीजिएगा, 3 के बाद ओ जो है ये स्मॉल में लिखना है, स्मॉल लेटर में, और इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास, और क्लॉक का जो सी है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ओ क्लॉक तब यूज किया जाता है जब 1 घंटा पूरा होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप 3:15, 3:30, 4:15 के साथ ओ क्लॉक नहीं लगते, इसे 3:30 ही ओ क्लॉक या 4:15 ओ क्लॉक हो गए, लाइक यू कैन डू दैट। अब आज जो मैं रात का दिन है, वक्त है, दिन को हमने मेंशन नहीं करना चूंकि इसका प्रोनाउन मौजूद है, इट इज थर्सडे टुडे, ये साल 2020 है, इट इज़ 2020, ये जून का महीना है, इट इज़ जून, महीना नहीं हमने लिखा, आज गर्मी है, मौसम के ऊपर आ गए, इट इज़ हॉट टुडे, यानी इसका मतलब आज गर्मी है, मींस कि आज मौसम गर्म है, तो मौसम के लिए इट आ गया, इट इज़ हॉट टुडे। अगर आप कहते हैं कि आज मौसम ठंडा है तो आप कर देंगे इट इज़ कोल्ड टुडे, अगर आप कहते हैं कि आज मतला अबर आलूद है आप कह देंगे इट इज़ cloudy today, अगर आप कहेंगे मौसम बहुत खुशगवार है तो आप इसको इट कह देंगे इट इज़ प्लेजेंट टुडे। अब ये मुख्तलिफ तरीके से मौसम और वक्त का जो इस्तेमाल है वो आपने इट के इम्पर्सनल प्रोनाउन इट को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर बेटा अब इसी प्रैक्टिस से मैं आपको बड़ा ईजीली समझाता हूँ, और विद इन फ्यू मिनट्स आपको ये समझ आ जाएगी ये वॉज वर्ब।
अब बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, अगर यही चीज पास्ट में चली जाती, सारे रूल्स उसी तरह के ऊपर फॉलो हो रहे हैं, तो अगर ये सेंटेंस आ जाए कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, फिर क्या करेंगे बेटा आप? ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. अगर आ जाए, क्या तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, सॉरी तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, तो क्या होगा? यू वर नॉट अ गुड प्लेयर. अगर आ जाए कि क्या वो दमा की मरीजा थी, तो क्या चेंज आएगी बेटा? वॉज शी एस्मेटिक. अच्छा, यहां पर आ जाए अगर क्या वो अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, पास में चला गया, तो बस आपने इतनी सी चेंज करनी है, वर दे नॉट गुड प्लेयर्स. अगर यही मौसम या वक्त है, ये पास में चला जाए, 3 बजे का वक्त था, इट वॉज 3 o'clock, कल बुध था, इट वॉज वेनसडे यस्टरडे, मौसम खराब था, इट वॉज बैड, मौसम खुशगवार था, इट वॉज प्लेजेंट. यानी इसी को आपने, जब था, थी, थे वाला सेंटेंस आ गया, उसमें कोई फेल नहीं पाया जा रहा बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग है, तो आपने लिंकिंग वर्ब वॉज या वर लगा देना है. आई होप यू वुड हैव कॉम्प्रीहेंडेड दिस लेक्चर इन अ वेरी क्लियर स्टाइल. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट एज ईजियर फॉर एवरी वन, सो दैट इवन एवरेज और इवन लेस देन एवरेज स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. Whoever is interested in learning English, he should or one should follow these grammar lectures at any cost. ये कोई भी इससे बेनिफिट ले सकता है, whether one is student or not. और आपने ये क्लास 6, 5, 6 से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल या कंपेटिटिव लेवल तक अगर इंग्लिश सीखनी है, तो यही इसका तरीका होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ये बेहतरीन अंदाज में समझ आ गया होगा, मेरी गुड सेंस है या मेरा ऑप्टिमिज्म है. तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे मेरी इस गुड सेंस को गुड सेंस ही रहने देंगे, कहीं इसे खुशफहमी में को गलत फहमी में ना बदल दें. इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी की बुक लें, उसमें जो पहली एक्सरसाइज होगी जो भी आपके पास है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, हम चूँकि कंपनीज को यहाँ पर बोल नहीं सकते, तो जो भी आपको लगवाई गई है उसमें इज एम आर और वॉज वर की पहली 1 या 2 एक्सरसाइजेज है, वो आपने ट्रांसलेट कर लेनी है. फिर उसका तरीकाकार यह है कि राइट नो हम तो नहीं चेक कर सकते, घर में को बड़ा भाई बहन जिसे बेसिक्स पता उनसे पूछ लें, या करीबी अगर आपके पास कोई ट्यूटर अवेलेबल है तो आप उसे काम चेक ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि चीज़ें सिर्फ समझ लेने से बात नहीं होती, अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस इट यू कैंट अटेन मास्टरी ओवर दैट. अल्लाह ताला से आपकी, आपके घर वालों की सेहत सलामती का दुआगो हूँ, और मैं पूरी तरह से मुतमइन हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी बच्चियाँ दे वुड बी प्रेइंग फॉर मी एज वेल, फॉर मी, फॉर माय फैमिली एंड फॉर माय हेल्थ एज वेल. सो मैं आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पजेसिव वर्ब, कंपल्सिव वर्ब, टू बी, गोइंग टू और अबाउट टू का यूज़ सिखाने वाला हूँ. अगर जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपकी एक्सेस है, जैसे लड़के हैं उनके पास मैं नंबर, तो अगर बड़े प्रॉब्लम होते हैं तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं. तो आपको अगर पसंद आता आप इसे लाइक करें, इसको शेयर भी करें, इल्म को फैलाएँ, और अगर इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि अगर कोई खामी है तो मैं उसको दूर कर सकूं. अल्लाह ताला आपका हामी व नासर, यकीन रखिएगा आप हमारी दुआओं में शामिल हैं. अल्लाह हाफिज़.